आज अपन एसक्यूएल का डे वन करेंगे बेसिकली। तो मोस्टली हम लोग जो देख लेंगे इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर अपना फोकस रहेगा, लेकिन उससे भी पहले हमें कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए डेटाबेस के बारे में। तो आज हम लोग वो देखेंगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन अ नोटपैड प्लस प्लस। ओके, तो एसक्यूएल के बारे में अगर देखा जाए तो हमें चीज़ें लगती है, अगर आपने देखा हो स्टेटमेंट्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट है DDL है, दूसरा है DML है, तीसरा है DCL है, और इसे DTL भी बोलते रहते हैं। DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा ट्रांसमिशन ट्रांसफर लैंग्वेज। ओके, DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, और DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। या इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डिंग, आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, यू कैन सी, डोंट वरी, इट्स दैट्स अ सॉफ्टवेयर बेसिकली। ओके, और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा वी कैन से ट्रांसमिशन ट्रांसफर लैंग्वेज, वो मोस्टली से DCL ही बोलते हैं। ओके, तो हमें करना क्या है बेसिकली, हमें DDL इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML, ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। तो बहुत लोगों को पता होगा है DDL के बारे में। DDL मतलब क्या होता है, इसमें ऑटो कमिट होता है, ऑटो कमिट होता है, और DML में ऑटो कमिट नहीं होता, आपके ऊपर कॉल इसको एटोमिक करना है कि नहीं, नो ऑटो कमिट। ओके, एक चीज है, और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है, वी कैन नॉट रोल बैक। मैं बताता हम लोग करेंगे उसके ऊपर ना थोड़ा सा। पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं इसके रिलेटेड, तो वो वाला देखते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उसके साथ। ठीक, TCL को ही बोलते हैं, DCL, TCL ये हो सकता है, या DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं, TCL बोल सकते हैं। ओके, DML में क्या होता है, ऑटो कमिट नहीं होता, और वी कैन रोल बैक, वी कैन रोल बैक, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यार लोगों। अगर आपने ये दो डिफरेंस भी उनको बता दिया ना, दे विल अंडरस्टैंड, आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग DDL के बारे में देखते हैं, DDL मतलब कैसे होते हैं पता है। अगर आप जो भी चीज़ें करते हो वो वन टाइम एक्टिविटी, एक बार हो गया तो होगा। जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई डेटा टेबल क्रिएट कर दी, जैसे मैं अभी एक छोटा सा क्रिएट करके ट्राई करता। ओके, पहले तो हम लोग DDL में देखते हैं क्या होता है। अरे रिकॉर्ड हो रहा है भाई, टेंशन मत ले, ये देख यहाँ पे रिकॉर्डिंग दिख रहा है क्या, ये चल रहा है रिकॉर्डिंग। एक अलग सा टूल है, ये OBS करके टूल है ना, मैं उसमें रिकॉर्डिंग करता हूँ, और ये बाद में ये यूट्यूब पे चला जाएगा टूल, मैं यूट्यूब पे डालता हूँ वीडियोस। ठीक है, डोंट वरी। ओके, DDL में कौन से बातें कमांड आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, DDL में आता है, हाँ मैं भेज देता, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, सब भेज देता। क्रिएट होता है, DDL के मेन कमांड क्या है, DDL के क्रिएट होता है और ड्रॉप, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल्टर भी एक होता है, हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्रिएट ड्रॉप अल्टर, ये DDL के कमांड है। ओके, DML के कमांड है, इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट आर DDL कमांड, व्हाट आर DDL कमांड। राइट, एग्जैक्टली राइट, क्वेश्चन पूछे व्हाट आर DML कमांड। ओके, DML में आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, अभी तो हम लोग इसमें इतनी देखेंगे, और सिलेक्ट एक आता है।
इंट्रो को पता होता है कि सिलेक्ट सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है, ऑल सेट है। उसके बाद हमें डीसेल के बारे में कभी नहीं पूछते। अगर आप बैंकिंग डोमेन का कोई प्रोजेक्ट दिखाते हो तो उसमें आपको एक प्रॉपर्टी बताएंगे, एसिड प्रॉपर्टी करके प्रॉपर्टी होती है। मैं आपको आज नहीं लूँगा, ये 2 या 3 दिन के बाद लूँगा। एसिड प्रॉपर्टी होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये वाला होगा। तो हम लोग पहले डीडीएल में क्या क्या होता है, अभी जब भी कभी आप एसक्यूएल को लॉग इन करते हो, देखो कैसे होता है, सिंपल से मैं ट्राई करता हूँ, मैं से एक बार फिर से क्लोज करता हूँ। आपको एसक्यूएल डाउनलोड करना है, गुरु 99 की एक साइट है, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे बेस दिया है, तो मैंने उधर से डाउनलोड किया। अगर आप यहाँ पे एसएसएमएस डालोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर मैनेज स्टूडियो, इसको क्लिक करो। अभी जब ऑफिस में आप जाते हो ना, तो कैसे होता है, उनके पास एक सर्वर होता है और डेडिकेटेड सर्वर होता है डेटाबेस का, वहाँ पे उन्होंने ये डेटाबेस इंस्टॉल किया होता है। तब आपको क्या करना होता है, आपको जो आपके ऑफिस वाले आपको सर्वर का नाम देंगे, वो आपको क्या क्या देंगे, सर्वर नेम देंगे, डेटाबेस नेम देंगे, एक मिनट, यूजर नेम देंगे एंड पासवर्ड देंगे। ये चार चीज़ें आपको हमेशा देते हो, बराबर है, ये चार चीज़ें आपको हमेशा देनी पड़ती है। देखो जैसे कि इस केस में अगर देखा जाए तो ये सर्वर नेम हुआ। अभी इस केस में सर्वर क्या है, मेरा खुद का मशीन है, इसीलिए जब भी कभी आप फर्स्ट टाइम करोगे ना, तो आपको यहाँ पे ऐसा देखेगा, अभी मेरा खुद का मशीन है इसलिए आया डेस्कटॉप और ये नाम आया कुछ। तो उसके बाद आपको आता है यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है, ये तीसरा चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो। ये मैंने सर्वर नेम डाल दिया, यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता है, ये मैंने डाल दिया। तो इसका इससे क्या होगा, इस सर्वर पे जितने भी डेटाबेस है वो सारे के सारे लोड हो जाएंगे। क्यों हो लोड हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उस सर्वर का नाम डाला है, उसका यूजर नेम पासवर्ड डाला है, तो इसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस होंगे। कौन सा वाला है, ओके चलो आगे मिलते हैं, ये वाला फिल्म नहीं, डेटाबेस इंजीनियर रखना है नहीं, ये हम लोग इफ यू आर यूजिंग फॉर डेटाबेस ओनली देन यूज। अगर कोई चीज के जगह पे रिपोर्टिंग होता है तो आपको रिपोर्टिंग सर्विस होता है, इसका अलग वे होता है, क्योंकि मैनुअल के लिए ये इतना मैनुअल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं चीज है डेटाबेस इंजीनियर। एग्जैक्टली, तो बाय डिफॉल्ट वही होता है, क्योंकि 98% ये लोग यूज करते हैं, तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट इसको ही दिया, ठीक है। जैसे आप अभी कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई ने सच में काम किया है, कुछ लोग होते हैं ना वो, उनको सिर्फ क्वेरीज पता होती है, कभी किसी ने काम ही नहीं किया होता, तो वो लोग क्या करते पता है ना, वो उनका क्वेश्चन रहता है, जब भी आप डेटाबेस पे लॉग इन करते हो आपको क्या कौन से फोल्डर देखते हैं, ये तो आपको इसमें दो तीन फोल्डर तो याद होना चाहिए। तो एक होता है, जैसे आप लॉग इन करते हो तो आपको फोल्डर का नाम क्या होता है, डेटाबेस होता है, सिक्योरिटी होता है, ये दो चीज़ें पता है तो भी चलेगा, और कुछ छोटी मोटी चीजें अगर आप उसमें से कोई भी हाईलाइट करके दोगे तो ये इम्पोर्टेंट, लेकिन ये अपने लिए ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नीचे सिक्योरिटी लेवल से ये आता है, अपने लिए कोई मायने नहीं रखता, अपने लिए मायने रखता है ये डेटाबेस नाम का, राइट। तो अगर आपको कुछ भी चीजें करनी है तो इस डेटाबेस का, जैसे मैंने बताया ये एक डेटाबेस होगा, अगर मेरा कोई और इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे डेटाबेस, जैसे कि अगर देखा जाए इसमें एक मास्टर डेटाबेस है, टेम्पटीबी टेबल है, ओके, हम लोग टेम डीबी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि टेम डीबी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब यूज होता है वो भी बताऊंगा। और जब भी कभी आप कोई भी, मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है तो हमेशा मास्टर डेटाबेस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, मास्टर डिफॉल्ट, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा डीडीएल के कमांड करेंगे कुछ, जैसे मैंने बताया डीडीएल के कमांड करते हैं, तो पहले तो ये डीडीएल के कमांड किस किस को एप्लीकेबल होते हैं, पहले तो होते हैं डेटाबेस को एप्लीकेबल होते हैं, ओके। दूसरा होता है स्टोर प्रोसीजर करके, स्टोर प्रोसीजर, तीसरा होता है व्यूज के लिए, ठीक है। अभी हम लोग इसमें डेटाबेस में क्या क्या कर सकते हैं, डीमेल क्रिएट हो सकता है, वन सेकंड ना, ड्रॉप हो सकता है, जैसे स्टोर प्रोसीजर की सेम लॉजिक है, आप उसे क्रिएट कर सकते हो, इसमें ड्रॉप कर सकते हो एंड अल्टर कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा वन बाय वन। वैसे ही इसमें भी, क्यू में भी, व्यू में भी तीनों चीज़ें होती है, तो हम लोग पढ़ेंगे व्यू के बारे में भी, सो डोंट वरी। हाँ बोलिए, किसी को डाउट था,
नहीं होता मोस्टली, मोस्टली टेस्टर की डीबीए नहीं, डीडीएल का कैसे होता है पता है क्या? कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है आपको उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फिर डीएमएल कमांड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हाँ वो भी होते हैं, लेकिन हम लोग इसको फोकस करेंगे, तो हम लोग इसके बारे में आपको बताएंगे थोड़ा वन बाय वन। ओके होल्ड ऑन दिस। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक छोटा सा डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो राइट क्लिक करता हूँ, तो आपकी यहाँ से थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा की चीज़ें मिलेंगी। जैसे आप अगर आपको उसके ऊपर क्वेरी कराना है, मेरे को मान लो कि मेरे पास कोई जो टेबल है, ओके ये मेरे तीन टेबल कल बनाए थे, तो आप इसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे लिखो सिलेक्ट टॉप 1000 रिकॉर्ड्स, तो खुद ब खुद क्वेरी बनाएगा। तो आपको देखो ये बन गए, कमांड लाइन, कमांड टाइप में भी होता, कमांड में भी होता है। तो हम मोस्टली आजकल सब जगह पे कमांड लाइन नहीं यूज करते, यही यूज करते हैं। अगर आपके पास एसक्यू यूनिक्स वगैरह है ना, तभी वो यूज होते हैं, क्योंकि जो अपने लिए ज़्यादातर ना, क्योंकि बैंकिंग के लिए आप मोस्टली देखो यूआई पे काम चलता है, तो उस केस में आपको ये चलेगा। या फिर आप ये वाला चूज कर सकते हैं, यार एक सिंपल वे बताया, अगर मुझे आपको इसके कुछ रिकॉर्ड चाहिए तो मैं इस टॉप 200 वगैरह ऐसा कर सकता हूँ। मैंने कुछ तो गलत किया, देखो ये वाला भी होगा, तो ये वाली चीज़ें भी कर सकते हो। मतलब मैं आपको थोड़े एक्स्ट्रा भी चीज़ें बता रहा हूँ कि कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। अगर जो भी टेबल की आपको डायरेक्टली क्वेरी नहीं लिखना है, आप डायरेक्टली लिख दो सिलेक्ट 1000 रोज, तो आपको ये ऑटोमेटिक रो रन करके भी देगा। एडिट मतलब अपडेट करना है डेटा आपको। हाँ देखो ना यहाँ पे ये एक कर, देखो ना एडिट भी कर सकते हो। हाँ तो आपको हाँ ये 1000 लिखा है ना, उसकी जगह 100 डाल दो बस। फिर ओके और रन करने के लिए आप एग्जीक्यूट बटन दबाओ या फिर आपका कीबोर्ड का F5 बटन दबाओ तो भी चलेगा। मैं अभी F5 दबाया, तो आपको ये रिकॉर्ड दिखे, मैंने इससे 100 डेटा डाल लेता एक्चुअली कुछ चीज़ें बताने के लिए। अपडेट हार्ड कोड में अपडेट करना है इनडायरेक्टली, वो देखेंगे जब अपडेट कर जाएंगे ना, तब हम लोग देखेंगे। ठीक है चलो, तो अभी मैंने आपको दो तीन बेसिक चीज़ें बताया। ओके तो अभी क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेरी बनाना है। अगर मुझे मान लो इस डेटाबेस के लिए काम करना है, अभी यहाँ पे देखो जैसे सिंपली मैं ना यहाँ पे न्यू क्वेरी होता, यहाँ पे क्या आता है, ये न्यू जेन आया राइट, मैंने क्योंकि मेरे पास एक डेटाबेस है न्यू जेन नाम का, तो मेरा इसके ऊपर काम चलने वाला है। नाउ टेल, अगर मुझे मास्टर पे काम करना है तो आपको यहाँ पे ये चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करके ये मास्टर आएगा, तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो बेसिकली स्क्रिप्टिंग फाइल है ये बेसिकली मास्टर के लिए काम करेगी। देखो अगर मैं इसको न्यू जेन की चूज करता हूँ, तो ये न्यू जेन जब बता रहा है राइट। अभी मुझे मैं क्या करता हूँ, एक डेटाबेस बना ही देता हूँ मैं आपके लिए ना, एक तो मैं मास्टर में जाता हूँ और अपना ये जो पुराना वाला न्यू जेन वाला है ना उसको मैं डिलीट करता हूँ। तो क्या अभी से डिटेल कमांड है, वन टाइम एक्टिविटी है, तो ड्रॉप डेटाबेस न्यू जेन। देखो अगर जैसे लिखोगे ना तो भी चलेगा, F5 करता तो टेबल आएगा क्या, एग्जीक्यूट हो रहा है क्वेरी, ये न्यू जेन नाम का टेबल निकल रहा है। और ये अगर आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको इसके एक्सेस नहीं रहेंगे, आप जब भी कभी कंपनी में काम करोगे ना आपको इसके एक्सेस नहीं रहेंगे, क्योंकि मोस्टली जो टेस्टर्स होते हैं उनको रीड ओनली का राइट देते हैं। ओके ये कुछ तो करंटली यूज बोल रहा है, कनेक्ट करता हूँ फिर से कनेक्ट करता हूँ इसको। यहाँ पे भी न्यू क्वेरी आता है, तो बाय डिफॉल्ट मास्टर आएगा, वही करते हैं ड्रॉप डेटाबेस न्यू जेन, कमांड हो गया। अभी देखो पहले मैंने दिखाया था आपको डेटाबेस था, देखो अभी यहाँ पे भी होगा डेटाबेस। ये देखो यहाँ पे पहले डी डी ए था, न्यूजन था, मैं यहाँ पे अभी न्यूजन नहीं है अगर देखा जाए तो राइट। अभी मैं क्या करता, क्रिएट डेटाबेस करता, तो ड्रॉप की जगह क्रिएट आना चाहिए, इसको एग्जीक्यूट करता, हो गया कमांड, यहाँ पे दिख रहा है आपको नहीं, मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो राइट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू पूछता है, मान लो आपने कोई डेटाबेस क्रिएट किया, अगर मैं इस डेटाबेस को एक्सपांड करता हूँ,
देखो अगर आप कोई भी डेटाबेस के एक्सपांड करो तो आपको कौन से पैकेजेस दिखते हैं, क्या क्या दिखता है। तो इंटरव्यू को ये जानने के लिए क्यों देखते हैं, पता है आपने सीरियसली कितना काम किया है। जब भी कभी आप कोई भी डेटाबेस को ओपन करते हो तो आपको दिखता है इसमें ये डेटाबेस को व्हेन यू एक्सपांड क्वेश्चन पूछते हो, व्हेन यू ओपन एनी डेटाबेस व्हाट यू विल ऑब्जर्व इन इट, और उसमें क्या ऑब्जर्व करते हो। तो ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। जब भी कभी आप इसको ओपन करते हो तो क्या क्या दिखता है आपको, देखो डेटाबेस डायग्राम दिखता है, होता है पहला तो ये होता है, ओके दूसरा होता है इसमें टेबल्स होते हैं, तीसरा होता है व्यूज होते हैं, चौथा होता है जैसे ये प्रोग्रामेबिलिटी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके इसी के अंदर स्टोर प्रोसीजर होती है। किसी को पता है क्या स्टोर प्रोसीजर बारे में, कुछ आइडिया है स्टोर प्रोसीजर क्या होता है? एग्जैक्टली ग्रेट, ओके राइट एग्जैक्टली। तो स्टोर प्रोसीजर क्या होता है क्या, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देना। जब भी कभी ऑब्जर्व करो, अगर डेवलपर अगर मान लो आपके पास कोई एक फॉर्म है अपना, जैसे अपनी फील्ड इंफॉर्मेशन फिलअप करने का फॉर्म है, तो डेवलपर हर बार क्या करता है पता है क्या, हर बार हर एक फील्ड नहीं लेता, वो क्या करता है सिंपल अगर देखा जाए, कोई भी एक फॉर्म होता है उसके ऊपर सबमिट बटन होता है, वो सारे डिटेल्स आपसे ले लेता है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो, सबमिट बटन पे क्लिक करने के क्या होता है उसके बैकएंड में कुछ तो चलते रहता है। तो उन्होंने क्या किया होता है डेटा एंट्री करने में डेटाबेस में, तो लोग क्या करते हैं इस सबमिट बटन के पीछे एक स्टोर प्रोसीजर लिखते हैं। वो क्या करता है जैसे आपने मैपिंग किया ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर नेम वो सारी चीजें ना, वो उसके हिसाब से उस स्टोर डॉक्यूमेंट ले लेता है, रन टाइम पे ले लेता है, और वो उसको डेटाबेस में अपडेट कर देता है। अपडेट में इंसर्ट क्वेरी मार देता है, मतलब इस स्टोर प्रॉक में क्या दो चीजें होते हैं, इनपुट लेना भी होता है एज वेल एज को मैपिंग भी होता है, कौन सा फील्ड कौन से कॉल में चाहिए, तो ये सारी चीजें स्टोर प्रोसीजर में होती है। इसीलिए कोई भी कंपनी में स्टोर प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जब भी कभी आप कोई फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म भरने से मगर मान लो 50-60 रिकॉर्ड से या फिर 10-12 रिकॉर्ड से, तो डेवलपर उसके पीछे ना एक स्टोर प्रोसीजर लिखता है हमेशा। स्टोर प्रोसीजर मतलब क्या है, इट इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जिसमें हम इनपुट भी दे सकते हैं, हमें आउटपुट भी मिल सकता है और कोई पैरामीटर भी भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रन टाइम पे वो जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज ए इनपुट उस क्वेरी को भेजता है, वो प्रोसेस करता है और रिस्पेक्ट टू टेबल में भी स्टोर कर देता है, मतलब आपको इंसर्ट कर देता है या कभी वो डिलीट भी कर देगा, उसके डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें स्टोर प्रोसीजर के ऊपर आती है। तो हम लोग देखते हैं कभी कैसा होता है, कभी कुछ जगह पे पूछते हैं आपने कभी स्टोर प्रोसीजर पे काम किया है क्या नहीं, हम लोग उसका छोटा सा टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग करते हैं क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम जैसे हम लोगों ने किया, तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती इतनी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। कुछ 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 जगह पे फंक्शन भी होते हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेस वगैरह नहीं, इसको भी जरूरत नहीं है, इसके भी नहीं, प्रोग्रामेटिव है ये, इसके अंदर देखो स्टोर प्रोसीजर के अंदर ही आपको फंक्शन भी मिलते हैं। फिफ्थ वाला होता है फंक्शंस होता है, उसके बाद ट्रिगर्स होते हैं, उसके बाद होता है कर्सर्स होते हैं। ये चीजें आपके पर देखना है बस हमें, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रिगर क्या होता है, कर्सर क्या होता है वगैरह, ठीक है। तो आपको कभी इन्होंने बताया कि डेटाबेस के बारे में आपको क्या क्या पता है, जैसे आप डेटाबेस को ओपन करते हो आपको ये चीजें बतानी है, इसमें तो आपने चार पांच भी चीजें बता दी तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये इसी के अंदर आते हैं, हम लोग इसी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अभी ये बताने के पीछे का लॉजिक ये होता है
आपको सिर्फ अगर पता है अगर टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मोस्टली डीएमए का काम यूज करते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें अपार्ट फ्रॉम डीएमए भी पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि कभी कभी होता है कि वो पूछते अलग अलग कुछ चीज़ें, राइट? कुछ कुछ जगह पे ये भी पूछते, क्रिएट क्वेरी लिखने के बोलते, ठीक है? याद रखो सबको है ना ज्वाइन करना, एक बार 40 मिनट होने के बाद है ना सबको ही ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास 40 मिनट का ही सेशन है, उसके बाद फिर से एक बार ज्वाइन करो सबको। ओके, तो अभी हम लोगों ने जैसे मैंने बताया तो मेरा न्यू जेन नाम का एक टेबल बन गया, मतलब एक डेटाबेस बन गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोगों ने दो चीज़ें की है। ओके, और एक चीज़ मैंने आपको बताना है, अगर मान लो आप यहाँ पे मास्टर हो और मुझे उसको मास्टर से चूज़ करना है न्यू जेन नाम का, जैसे यहाँ पे न्यू जेन आ रहा है, राइट? ये आ रहा है तो मेरा काम बन जाएगा। तो अभी इसमें एक चीज़ करते हैं, मैं यहाँ पे मास्टर चूज़ करता हूँ, तो आप कभी कभार देखोगे आपके ऑफिस में कभी यहाँ पे ऐसे लिखा होता है एसक्यूएल होगा ना, तो यहाँ पे ये लोग लिखते हैं यूज न्यू जेन। इसका मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली कैसे, कभी कभार ऐसा होता है कि इस डेटाबेस में उस डेटाबेस में जाना पड़ता है एक ही क्वेरी में, मतलब आपका एक ही 100 लाइन का क्वेरी होगा, उसी में यहाँ से जाओ फिर उस डेटाबेस में जाना हो ना, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये वाला क्वेरी दिया। देखो अभी ये जैसे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, देखो हाँ क्या न्यू जेन। मैं भी इसको फिर से यूज मास्टर करता हूँ, ठीक है? आपको जो भी रन करना है ना उसको सिलेक्ट करो बस। आपको अगर मान अभी यहाँ पे दो क्वेरी है, ये क्वेरी है और ये क्वेरी है, अगर मुझे जो भी रन करना है मुझे उसको सिलेक्ट करना है, और एग्जिट दबाओ या फिर F5 दबाओ, तो अभी देखो मास्टर होगा, राइट? तो अभी हम लोग न्यू जेन करते, यूज किया, ठीक है? ओके, तो अब तक हम लोगों ने दो चीज़ें देखी बस, डिटेल के दो कमांड देखे। किसके दो कमांड देखे? बेसिकली डेटाबेस के क्रिएट एंड ड्रॉप देखे। ओके, यहाँ पे और एक चीज करना है हमें, टेबल का भी देखना है। टेबल में क्या क्या होता है, क्रिएट होता है, ड्रॉप होता है, अल्टर होता है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल नाम का। ओके, तो मैंने अभी मेरा तो न्यूजन है, मेरे पास शायद से एक टेबल बनाया होगा मैंने। देखो मेरा, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे मुझे इस टेबल के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। अभी मैं इसको एग्जिट करता हूँ, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, इस एग्जिट करता हूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो इसको रिफ्रेश करो आपको टेबल दिखना चालू हो जाएगा, राइट? हुआ तो मेरा टेबल एक, हाँ कॉपी पेस्ट किया, मैं बताता आपको उसके बारे में सिंटेक्स और सब बताऊँ। तो वो क्या होता है इसके पीछे का लॉजिक, तो इसमें क्या किया, टेबल क्रिएट किया, कहाँ पे टेबल क्रिएट किया, हम लोग को डेटाबेस क्या न्यूजन है, तो इसलिए इस न्यूजन के अंदर एक टेबल क्रिएट किया। उसमें कौन से कॉलम दिए मैंने, ये कॉलम से मेरे ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, मोबाइल, एड्रेस। अगर आप यहाँ पे भी जाओगे इसको एक्सपांड भी करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो इसमें बताते कॉलम कौन से हैं, देखो देखो ID है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सिटी है, मोबाइल नंबर, एड्रेस है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं इसको ड्रॉप करता फिर से, ड्रॉप टेबल एंड एम्प्लॉय, जैसे आप सिर्फ लिखो भी ना ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको F5 दबा दिया मैंने, मतलब F5 दबाया मैंने, तो अभी इसको ना रिफ्रेश करता हूँ तो ये निकल, एक्चुअली रिफ्रेश होने के बाद पता चलता है एक्चुअली। देखो टेबल्स के अंदर निकल गए, वो टेबल भी निकल गए, क्यों? मैंने वो ड्रॉप किया था, राइट? तो क्रिएट हुआ, मैंने आपको अभी क्रिएट का क्वेरी बताया। अभी मैं इसको फिर से अपडेट, हाँ ना पूरा टेबल वो पूरा गायब ही हो जाएगा एम्प्लॉय नाम का, राइट? समझे? अभी इसका सिंटैक्स कैसे होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। अभी यहाँ पे मैं लिखूँ, अभी हम लोग टेबल के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। क्रिएट अ टेबल, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ विल यू क्रिएट अ टेबल? ओके, इसका सिंटैक्स कैसे होता है अगर ऑब्जर्व किया जाए तो? एग्जैक्टली क्रिएट
टेबल नेम, और यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे मैं लिखता कॉलम कॉलम नेम वन, और यहाँ पे आपको उसका टाइप डेटा टाइप देना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट देना पड़ता है, ये ऑप्शनल होता है। ये इसको मैं ये राउंड इसका पता है आपको इसका मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग होता है दैट इज ऑप्शनल। आपके लिमिट नहीं बोल सकते, ऑप्शनल बोल सकते हैं। ये राउंड ब्रैकेट नहीं किया रहा मैं, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि ये वायर किया है और यहाँ पे 20 लिखा है, तो इसका 20 तक ही उसका लिमिट है। नहीं, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल मतलब क्या होता है, मान लो मेरा कॉलम वन है वो प्राइमरी की है, तो ये प्राइमरी की ये उसका कंस्टेंट हुआ, राइट। तो आप ये चीज़ ऑप्शनल होती है, आपको देना है नहीं देना है, समझ में आ रहा है। देखो मेरा आईडी क्या है, कॉलम नेम है, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और ये प्राइमरी की क्या है, कंस्टेंट्स है बेसिकली। तो ये चीज़ें ऑप्शनल होती है। या कुछ कुछ जगह पे देखो ऑप्शन होता है, कुछ कुछ जगह ऐटो इंक्रीमेंट होता है। ऐटो इंक्रीमेंट मतलब कैसे होता है, आपका जैसे भी कोई नंबर मेंबर ऐड हो जाएगा, पहले वन था अभी वो टू हो जाएगा, उसके बाद कोई ऐड एंट्री हो गई थ्री हो जाएगा, तो ऐटो इंक्रीमेंट नाम की कंसेप्ट होती है। जैसे ऐटो इंक्रीमेंट होता है, ऐटो डिक्रीमेंट भी होता है। ये कुछ कुछ इनबिल्ट फीचर्स है। नहीं है, अगर ये डेटाबेस की साइज देने की जरूरत है, अगर इंटीजर है तो नहीं देना पड़ेगा, अगर वैर कह रहे हैं तो आपको देना पड़ता है। ये सारी चीजें डिपेंड है ना। अभी जैसे वैर कह रहे हैं, मुझे कुछ जगह पे देखो मुझे फर्स्ट नेम है, किसी का फर्स्ट नेम 50 लेटर तो नहीं हो सकता, तो आप बता सकते हो मैक्सिमम 20 लेटर ले सकते हो। कुछ कुछ जगह पूरा फाइल कॉपी करना पड़ता है, तो आप उसकी 1000 करोड़ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। कॉलम नेम वन कैर भी रहता है, वो होता है कैर होता है, वैर कैर होता है, डेट टाइप होता है, देखना है हम देख भी करते हैं, देखते हैं ट्राई करते उसको दिखाने का। वैर कैर टू भी होता है, ये ऐसी चीजें बहुत सारी चीजें होती है। तो ये कॉलम्स होते हैं, तो इसीलिए इसको डॉट 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 लिखते हैं। तो ये बहुत ही ये ऑप्शनल है, याद रखो ये। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका अगर प्राइमरी की है फॉरन, प्राइमरी की है फॉरन की है, सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे प्राइमरी की, तो मैं और एक टेबल बनाया है मैंने ऑलरेडी, उस दे सकते हो आपके ऊपर टाइप हो, इम्पोर्टेंट है ना, बराबर ना। अगर तुझे कई जगह पे जाना है, तू पूरा मतलब मैंने तुझे बोला कि तुझे कहीं पे दो एक चीज़ है मुझे ढूंढनी है, तू पूरे इंडिया में ढूंढने गया है, उससे एड्रेस मांगेगा। जैसे एड्रेस मांगेगा तो तेरे लिमिट बनेगा, लिमिट होगा, राइट। तो ये चीज़ वो चीज़ है, आपको हर चीज़ का एक साइज दोगे तो बेटर रहेगा। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं जो है एम्प्लॉय प्रोफेशनल डिटेल नाम का। मैं बताता हूँ, ये समान कमांड सक्सेसफुल रन हो तो अब अभी यहाँ पे देखो उसमें दो टेबल बनेंगे, एक एम्प्लॉय बना, एक एम्प्लॉय प्रोफेशनल डिटेल्स बना। इसमें कॉलम देखो जितने हम लोगों ने डाले थे वो सारे हुए हैं, और कीज देखो यहाँ पे फॉरेन की है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो फॉरेन की है, लेकिन ये फॉरेन की ने हम लोगों को मैप किया होगा। अब अभी बहुत लोगों को पता है प्राइमरी की फॉरेन की क्या होता है। मैं आपको मैं बताता होल्ड ऑन, मैं आपको प्राइमरी की फॉरेन की के बारे में बताता क्या होता क्या एक्चुअली। तो हम लोग मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है, उस टेबल में आपको पता चलेगा प्राइमरी की फॉरेन की क्या होता है। देखो तो आज हम लोग बेसिकली ना एक टेबल बनाने वाले हैं, वो टेबल क्या है पता है का? आपको कोई भी कंपनी है, कंपनी के कुछ डिटेल्स भरना है, मतलब मान लो आपका कंपनी कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, उस कंपनी के पोर्टल में जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करना मतलब आपका अकाउंट बनाना है, एक मिनट। तो हम लोग उसके बैकएंड वाला देखने वाले। देखो जैसे आप कोई भी कंपनी बना कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं, आपको पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के आपको आपके यूज़र आपके डिटेल्स भरने पड़ते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, यूज़र डिटेल्स भरने पड़ते हैं। मीटिंग ज्वाइन करो सब लोग फिर से, 81 एक मिनट से पहले होना, तो 40 मिनट का सेशन खत्म होता है मेरा। तो यूजर डिटेल्स होता है, आप उसके बाद उस फॉर्म में क्या क्या भरते हैं, आपके प्रोफेशनल डिटेल्स भरते हैं, आपको पिछले का कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो हम लोग आएगा यूजर प्रोफेशनल डिटेल, और तीसरा आता है सेम, आपको एजुकेशन डिटेल भी भरने पड़ते हैं। ये चीज एक होती है, तो लेकिन इस चीज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अभी क्या पता है क्या,
आपने कभी ये नॉर्मलाइजेशन नाम की कॉन्सेप्ट सुनी क्या? वन एन एफ करके, वन एन एफ, टू एन एफ, ये किसी को पता है क्या? ये क्या होता है, कोई मुझे मुझे बताएगा? किसी को पता है क्या? बेटी हम लोग मीटिंग ज्वाइन करते फिर बोलते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुकते हैं, तब लोग ज्वाइन हो जाएंगे सब। तो दो मिनट रुकते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, बैठ रहे लोग। ठीक, कल स्टेबल। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते आगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया, देखो अगर मान लो मेरे पास कोई डेटा है, जैसे कि अभी मान, जैसे मैंने बताया था हमें ये 3 सीनारियो लेना है। 3 सीनारियो क्या है? उस यूज़र के डिटेल है। इस यूज़र के डिटेल में क्या क्या हो सकता है? ना, मेरे पास एक्सेल फाइल थी ना, 1 मिनट। हाँ, म्यूट करो, कोई तो प्लीज। हाँ ओके, करी राइट। नॉर्मलाइजेशन डेटा ऑर्गेनाइजर, एग्जैक्टली। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको बताने वाला थोड़ा सा। मान लो मेरे पास एक कॉलम है एम्प्लॉय, जैसे मैंने बताया, अगर मुझे टास्क क्या है, मुझे 3 चीज़ें करना है। मुझे यूज़र के डिटेल्स भी लेना है, यूज़र के प्रोफेशनल डिटेल्स भी लेना है, और यूज़र एजुकेशन डिटेल्स भी लेना है। तो इससे क्या होगा, अगर मान लो मैंने ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर डाल दी, तो ये मेरा यूज़र का डिटेल हुआ। उसके बाद मुझे यूज़र के एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल डिटेल्स भी लेना है। ओके, उसके बाद मुझे यूज़र्स के एजुकेशन डिटेल्स भी लेना है। तो देखो ना, अगर मान लो मुझे सिर्फ यूज़र का, उस यूज़र का सिर्फ है ना एम्प्लॉय डिटेल्स ही है, मतलब ये प्रोफेशनल डिटेल्स ही है, इसके बारे में इसको कुछ बताया नहीं है, इस ना उसका कॉलेज कॉलेज है ना कुछ है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, बिना मतलब कि आपकी इतनी सी डेटा फिलअप करना पड़ता है, मतलब आपका इतना यूज़ हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये है आपका, अभी इसको मैं और एक आंसर बनाता हूँ, ये आपका यूज़र डिटेल है, ये आपका क्या है, आई थिंक ये करंट कंपनी, राइट? ये आपका एम्प्लॉय डिटेल्स है, ये आपका एजुकेशनल डिटेल्स है। ओके, ये आपका एजुकेशनल डिटेल्स है। देखो इसको ना थोड़ा सही कर देगा, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन कुछ रूल्स है, वो क्या बता रहे हैं, अगर आपको ये, अगर आपको पता है ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, लेकिन एक सेक्शन अलग है, लेकिन इस सेक्शन के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आईडी सेम है। तो जैसे कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक यूज़र है, जैसे मैंने मेरे खुद का एक नाम डाला हुआ है, मेरा ये एम्प्लॉय डिटेल्स है, बराबर है, ये लिखा है मैंने। तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको बता रहा था, राइट? तो हाँ, अरे वो यूजर ये दिखता है ना, ये बिट यूजर डिटेल का फॉर्म है, एम्प्लॉय डिटेल का फॉर्म है, और एजुकेशन डिटेल का फॉर्म है। अगर आप ऑब्जर्व किया जाए, अगर आप ऑब्जर्व करो, मेरा है ये, मेरा क्या लिखा है, आईडी लिखा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखा है। नाउ टेल मी, मेरे एम्प्लॉय की एक ही कंपनी नहीं है मेरी, आई कैन हैव मल्टीपल कंपनी, ऑब्वियसली मैं कंपनी स्विच करूंगा अगर मुझे पैकेज बढ़ाना है या फिर मुझे ग्रोथ करने की, तो मैं एक ही कंपनी में रहूंगा, नहीं,
आई विल स्विच मल्टीपल कंपनी, राइट। तो मुझे अगर मैं एक ही टेबल में लिखता हूँ, देखो नॉर्मल सी कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज होती है, अगर मैं एक ही टेबल में लिखता हूँ तो मुझे उसकी फिर, अगर मान लो मैंने तीन कंपनी स्विच किए मेरे लाइफ में, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफेशनल डेटा, तो ये मेरा डेटा आया। तो अगर ऑब्जर्व करोगे तो मेरा सब यहाँ एक ही यूजर के साथ मैप हुआ, राइट। लेकिन मैंने कितनी कंपनी स्विच किए, तीन कंपनी स्विच किए। तो आपको ये बिना मतलब कि ये दो रोज क्या करना है, आपको ये फिर से कॉपी करना पड़ता होता है, कॉपी करना पड़ा ये डेटा, बराबर है, समझे। अगर मान लो मेरे पास कोई एजुकेशन डिटेल्स है तो उसके लिए भी मुझे ये डेटा फिर से कॉपी करना है। इससे क्या होता है, डेटा का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, इससे क्या होता है, डेटा का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है। तो ये लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, अगर आपको डेटा कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है ना इस केस में, ये डुप्लीकेट डेटा कॉपी हो रहा है, ये डेटा की साइज बढ़ रही है, तो आप एक काम करो, आप इसको ना स्प्लिट आउट कर दो। तो जैसे मैंने बताया, ये मेरा यूजर है, ये मेरा यूजर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सिटी ये मेरा हुआ। आप एम्प्लॉय डिटेल के लिए एक सेपरेट टेबल बना दो जिसमें आपके कंपनी की डिटेल डालो। बस एक चीज करो, यहाँ का आपको क्या लेना है कि जिसे पता चले कि ये दोनों एक ही घर के बंदे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, तो इसको मैं आईडी लिखता हूं, इन तीनों को आईडी लिखा, समझ में आया। मतलब ये आपका अलग टेबल, याद रखो ये आपका पूरा का पूरा अलग टेबल है। तो अब ये क्या करेगा पता है, इंडेक्स अगर देखा जाए ना ऐसा हो जाएगा। एक मिनट मुझे ना इसको ना पहले मर्ज करने, नहीं मर्ज नहीं कर सकता, बोल रहा ठीक। अभी ऐसा हो रहा, अब ये ऐसा देखेगा, मतलब मेरा एक ही रो है, देखो यूजर डिटेल में सिर्फ एक ही रो है, बट एम्प्लॉय डिटेल में कितने रो है, थ्री रो है, बराबर। अगर ऐसे ही अगर मैं नॉर्मल से नहीं यूज करता तो मुझे एजुकेशनल के लिए मुझे और डिटेल भरना पड़ता, अगर मान लो मेरे चार या पांच डिटेल्स होते तब भी इतना अकाउंट बढ़ जाता। तो इन लोगों ने क्या किया, ये काम करो आप, ये ना इस जितने भी टेबल्स आप उसको जितने छोटे छोटे फॉर्म में करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि डू एग्जैक्टली वही तो लॉजिक होता है, एक मिनट। मैं भी ना इस कॉपी को बता रहा, अगर मान लो मेरे यहाँ पे आईडी है, जैसे मैंने बताया आईडी है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम है, शॉर्टकट में एफएम लिखता हूँ, यहाँ पे लास्ट नेम है, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है, ओके यहाँ पे मेरा एड्रेस है, ओके। तो यहाँ पे आईडी लिखूंगा, योग लिखूंगा, और मेरा सरनेम जादव है, जादव लिखूंगा, मेरा मोबाइल नंबर 123 लिखूंगा, और एड्रेस जो भी है, और यहाँ पे मेरा एजुकेशनल डिटेल्स है। तो मैंने क्या किया, तीन टेबल बनाए, एक यूजर डिटेल नाम का बना है, यहाँ पे एक एजुकेशनल प्रोफेशनल डिटेल नाम का बना है। तो यहाँ पे मैं कंपनी नेम लिखूंगा, उसका स्टार्ट डेट लिखूंगा, उसका लास्ट डेट लिखूंगा, उसकी सैलरी लिखूंगा, और आप ये भी चेक होगा ये मेरा करंट कंपनी के, राइट। तो मैंने क्या, अगर मान लो मैंने तीन चार कंपनी स्विच की है तो मेरा क्या हुआ, ऐसे मैं डिटेल भरते जाऊंगा, और मैं किससे क्या मैप करूंगा, तो ये क्या करूंगा, ये मेरा यहाँ का उसको मैप करूंगा, भाई ये मेरा काम हुआ, राइट। मतलब क्या हुआ, इस आईडी वन के कितने रिकॉर्ड, एजुकेशन डिटेल्स है, सॉरी प्रोफेशनल डिटेल कितने, ये दो रिकॉर्ड है। अगर मान लो मुझे उसके एजुकेशन डिटेल्स भी कलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सारे डेटा फिलअप करूंगा लेकिन उसको इससे मैप करूंगा। तो इसको ये आपका यूनिक रहा, ये कभी चेंज होने वाला है क्या, नहीं, इससे बोलते हैं प्राइमरी की, राइट। अभी इसका रेफरेंस लेके मैं क्या बना रहा हूं, मेरे इस टेबल में एंट्री कर रहा हूं, तो इनको बोलते हैं फॉरेन की, बोलते इनको क्या बोलते, फॉरेन की बोलते। अभी एजुकेशन डेटा के लिए भी सेम रहेगा, तो इसमें भी वही लॉजिक है, तो इसे बोलते हैं ये फॉरेन की, समझ में आपको सबको, अभी ये वाली चीज है। तो प्राइमरी की में क्या होता है, आपके सारे यूनिक एंट्रीज होते हैं, और आप उसका डेटा लेके, ये आपका मेन टेबल होता है, उसका डेटा लेके बाकी सारी चीजें ड्रॉप करोगे, लिंक करोगे,
अगर आपने ये रिलेट किया, आपको मैं दो तीन चीजें भी बताऊंगा, अगर मैं इसका कोई डेटा रिलेट करना तो आपको इसका ये करने ही नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस होते हैं, आपको वो बताऊंगा, वो आपको मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा। तो इंटरव्यू में पूछते हैं भाई, ये प्राइमरी की और फॉरेन की का डिफरेंस क्या होता है, मैं बता सकता। ओके, कंपोजिट क्या होता है, कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है आपको प्राइमरी की मतलब एक ही कॉलम के ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब आप क्या करते हो, दो कॉलम को मर्ज करते हो और उसको एक प्राइमरी की बनाते हो। जैसे कि आप डिसाइड करो मुझे ये दो कॉलम को ऐड करना है और उसको मैं एज अ की करूंगा। देखो ना, आप कभी भी ईमेल आईडी कैसे बनाते हो, आपका फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम डालते हो, तो इसे ये हुआ ना आपका कॉम्पोजिट की। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नेम मेरा एक कॉलम में रहेगा, लास्ट नेम मेरा दूसरे कॉलम में रहेगा, अभी मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, तो ये से बोलते कॉम्पोज। कॉम्पोज मतलब क्या क्या कर रहे हैं, टूगेदर करना, बना ना, एकत्र करना, इसे बोलते कॉम्पोजिट की। तो उन दोनों को मिला के एक बना, एग्जैक्टली वैसे बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास दो कॉलम है, देखो अगर मेरे एक कॉलम में मेरा फर्स्ट नेम है वो है योगेश है, नाउ टेल मी वर्ल्ड में बहुत सारे योगेश रहेंगे, तो मान लो मैं एजम करता हूँ 1 लाख तो होएंगे। ओके, अभी मुझे क्या करना है, उसको यूनिक बनाना है, तो मैं इसके आगे क्या करूंगा, जादू करूंगा, तो ये मेरा कॉम्पोजिट क्यों। नाउ टेल मी, दुनिया में 1 लाख योगेश जादू रहेंगे क्या, नहीं, अभी और फिल्टर आउट हो रहा है, शायद से 1000 तक ही रहेंगे, राइट। अगर मुझे और बताओ कि और मुझे यूनिक करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें और डिटेल्स में भरूंगा, तो मेरा और कम होता है। तो इस वजह से कुछ चीजें ऐसी करते हैं, इन सबको मिला के एक कॉम्पोजिट की करते हैं, इसे बोलते हैं कॉम्पोजिट की, मतलब यूनिक की हुआ, समझ में। कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 कॉलम, एग्जैक्टली, तो उससे की बनेंगे, बरा ना, उससे की बनेगी। की मतलब क्या है, आपको की बनाना, तो आप क्या करो, 1, 2, 3 आपको जितने भी कॉलम चाहिए आपको बताना पड़ता है कौन से कॉलम को आपको ऐड करना होता है। मैं बता रहा हूँ प्राइमरी की। तो इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, याद होकर, इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन क्या है, मैं इसको ना थोड़ा 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी की, ओके, और क्वेश्चन लिखता हूँ, व्हाट इज फॉरेन की। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ओके, तो हम लोग देखते हैं, पहले प्राइमरी की के बारे में देखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट शुड बी यूनिक, यूनिक विथ, याद रखो, विथ नॉट नल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नल नल नहीं होता ये, इट शुड बी यूनिक ऐसे लिख सकते हैं। हमें अगर इंटरव्यू में बताना, हमें पॉइंट बढ़ाने पड़ते हैं, राइट, इट नॉट अलाउ, क्योंकि इंटरव्यू में हमें जितने ज़्यादा पॉइंट बोलेंगे उतना वो खुश होता है, राइट, तो हमें वही चीज़ें से देखा देते हैं, नॉट नल हुआ। वो फॉरेन की में क्या होता है, इट अलाउज डुप्लीकेट डेटा, एग्जैक्टली, वो भी लिख सकते हैं, मेंटेन रिलेशन चिप। मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, हाँ बोलो, अल्लाह नहीं ना होता, मैं बताता, बोल लो। तो ये आपका प्रॉब्लम है, जो डेटा इंसर्ट करा है उसका प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम नहीं है, अलाउज नल, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम, हाँ बोलिए ना, राइट, एग्जैक्टली, हम्म,
राइट हाँ राइट एग्जैक्टली मैं नहीं आई सुन सुन मेरी बात, आप मैं प्राइमरी टेबल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं फॉरेन की जिस टेबल में है उस टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो सकते हैं, जैसे कि मैं बता रहा था, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, देखो ना मैं एक एक सेकंड दो, जैसे कि इस केस में देखा जाए मेरा आईडी क्या है यहाँ पे 1 है बराबर है, यहाँ पे मेरा आईडी कितनी बार आया, ये हो गया ना डुप्लीकेट। अब किससे मैप करे वो मैटर करता है राइट ना, यहाँ पे अगर आप आईडी हाँ बोलिए ना, तो अभी अगर अगर मान लो मेरे यहाँ पे सेम रिकॉर्ड की एंट्री होती है तो उससे ये नहीं मैटर होता, इससे आपका डेटा वो तो भी नहीं, डेवलपर का प्रॉब्लम है, उसने डुप्लीकेट रिकॉर्ड अलाउ कर दिया पूरा का पूरा रिकॉर्ड, ये डेवलपर का इश्यू है, लेकिन ये अलाउ करते, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ, होल्ड ऑन यस। तो देखो ऑब्जर्व करो मेरे यहाँ पे दो टेबल बने देखा जाए एम्प्लॉय का और एम्प्लॉय प्रोफेशनल डेटा, तो मैं क्या करता एक छोटा सा ना मैंने एक टेबल बनाया एम्प्लॉय नाम का, एक इंसर्ट की क्वेरी बनाई है, मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाता हूँ, ये एम्प्लॉय नाम का टेबल है, एफ आई किया टेबल ऐड हुआ, अगर आप यहाँ पे देखोगे एम्प्लॉय का इसको ना एफ आई करता सिलेक्ट ऑफ 1000 करता, तो एक हुआ। अभी मैं क्या करता उसमें, जैसे मैंने बताया वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, तो मैं उसमें क्या करता सेम रिकॉर्ड था कुछ पे ऑल ले लेता, 1 लिखता है यहाँ पे 1 2 लिखता, उससे ये नहीं मतलब आपकी वो प्राइमरी की शुड भी यूनिक होना चाहिए। देखो मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, अभी मैं इसको रन करूँ क्या, देखो एरर मारेगा, क्यों लिखा वायलेशन प्राइमरी की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलरेडी इसमें 1 डेटा है, इसमें क्या है 1 डेटा है फिर भी ये चल रहा है, ये दूसरा अलाउ करेगा क्या नहीं। अभी मैं इसको नल का भी ट्राई करता हूँ, इसको मैं अभी 2 कर देता हूँ, अभी चलेगा क्या, ये अलग डेटा है वो अलग डेटा, आईडी पे बोल रहा हूँ, बाकी से छोड़ दो बाकी को गोली मार दो आईडी के बारे में, चलेगा क्यों, यहाँ पे आपका आईडी प्राइमरी की का वही का लॉजिक है, इट शुड बी यूनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग नल वैल्यू ट्राई करते हैं, एग्जैक्टली अभी मैं क्या करता हूँ इसको नल ट्राई करता हूँ ऐड करने का, देखते हैं क्या क्या बोल रहा है, नल अलाउ नहीं करता राइट। अभी हम लोग क्या करते हैं फॉरेन की का देखते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया आपको, आपका क्वेश्चन का डाउट सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे पास और एक टेबल है एम्प्लॉय प्रोफेशनल नाम का, अभी इसमें मैं कुछ डिटेल्स भरता हूँ, 2 मिनट, मेरे एम्प्लॉय प्रोफेशनल डिटेल नाम का भी एक टेबल है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने ये वाला कॉपी किया, अरे यार ठीक है ओके, इस 1 मिनट मुझे ना इसको ड्रॉप करने दो, 1 मिनट ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय प्रोफेशन, 1 मिनट ठीक है, मेरा ये टेबल मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे एक मैंने गलती किया था, देखो ये टेबल निकल गया होगा, इसको क्लोज करता फिर से रिप्लेस करता, अरे यार ओके हुआ ना। अभी अभी देखो यहाँ पे एक्चुअली मैंने ना इसको स्ट्रिंग लेना था, वैर कर लेना था, ठीक है इसमें मैं बिल्ड से बनाता हूँ, ओके टेबल हो गया मेरा, इसको रहने दो मैं थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, अभी मैं इसमें डेटा डाल रहा हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल एम्प्लॉय प्रोफेशनल डिटेल, एक रो अफेक्ट हुआ, देखो मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ, मेरा डेटा भी ऐड हुआ टेबल में, अगर आप यहाँ पे देखो मैं इसको क्वेरी मारता हूँ सिलेक्ट ऑफ 1000 करता हूँ, तो मुझे डेटा मिल रहा है, मैं अभी क्या करता हूँ उसको ना डुप्लीकेट कॉपी कर रहा था, क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं है मेरा डेटा कॉपी हो रहा नहीं हो रहा, इसको फिर से रन कर रहा था, देखा हाँ देखो अभी इसको फिर से रन करता, 1 मिनट हाँ मैंने फिर से डेट क्रिएट किया, मैं क्यों किया मैं बताता आपको, देखो दो डिटेल ना सेम कॉपी पेस्ट है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है इसमें, अरे एम्प्लॉय ये नहीं हो रहा, 1 मिनट होल्ड, मैंने दूसरा टेबल चाहिए था, ये सेम रिकॉर्ड कॉपी हो तो ये मैं बता रहा, तो उससे ये आपको इससे मैटर नहीं, ये जो लास्ट में ये फिलअप होता है ना कंपनी नेम से उससे कोई मतलब नहीं, ये कॉलम का मैटर होता है ये सब, जिससे आप मैपिंग करते हैं, किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था राइट, उसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, आपका ये डेटा कॉमन भी हुआ उससे मतलब नहीं है, उसको वेरीफाई नहीं करता वो, ठीक है। अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अभी देखो नाउ टेल मी, मैं अभी मुझे प्राइमरी टेबल को डिलीट करना है ड्रॉप करना है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ है सबको, मुझे ना अभी एक काम करता हूँ, मैं ना प्राइमरी टेबल को ड्रॉप करता हूँ,
अरे तो मैं अभी क्या करता, मैं ड्रॉप करता प्राइमरी टेबल को, देखते होता है क्या। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए मैं ऑलरेडी बताता क्यों हुआ। कुड नॉट ड्रॉप ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय बिकॉज इट इज रेफरेंस। क्यों, उनका मतलब ये है कि भाई उसको चाइल्ड टेबल में, हाँ कुछ की राइट। तो इसका मतलब क्या होता है पता है, इन लोगों ने कुछ तो इंडेक्सिंग मैपिंग किया हुआ है। तो आपको आपको पेरेंट को मारना है, पहले चाइल्ड को मारो फिर काम बन जाएगा। अभी देखो यहाँ पे हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं इसको ना पहले चाइल्ड को खत्म करता हूँ, मैंने चाइल्ड को मार दिया तो मेरा हो गया। अभी मैं इसको मारता चल सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप चाइल्ड का रेको, चाइल्ड को टेबल को नहीं मार सकते हो जब तक आपका पेरेंट, मतलब अगर आपको पेरेंट को मारना है तो आपको चाइल्ड को भी मार, उसके सारे रेफरेंसेस को मारने पड़ते हैं। अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या, इसका ये फॉरेन की है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको अल्ट टेबल करके उसका फॉरेन की निकालना पड़ेगा, तो उसका ये मैपिंग निकल जाएगा, फिर आप उसको पैरेंट को मार सकते हो। ये चीज होती है प्राइमरी फॉरेन की, मतलब इसका ये फायदा है। पहले चाइल्ड को मारेगा ना फिर पैरेंट को मारेगा, ऐसा लॉजिक होता है। अगर तो पैरेंट को मारेगा ना तो चाइल्ड के रेफरेंस ऑलरेडी दिए हुए ना, तो ये कनेक्शन के वायर्स टूट जाएंगे बेसिकली, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सॉरी हो मैपिंग होता है ना, इसीलिए तो प्रॉब्लम है ना सारा। सॉरी प्राइमरी टेबल से सेकेंडरी टेबल को, हाँ अभी तू तू अगर रिलेशन यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे मैंने जो सेकेंडरी टेबल एम्प्लॉय प्रोफेशनल डिटेल, इनका इनका रिलेशन कैसे बनाया है, ये सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है मैंने। मैंने रेफरेंस दिया फॉरेन की का रेफरेंस, और यहाँ पे अगर नाम देखो ना, मैंने पहला टेबल का आईडी दिया हुआ है, तो मैंने मैपिंग किया है ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास ये ही नहीं है तो इसको मैं डायरेक्टली उड़ा सकता हूँ। देखना है क्या, मैं आपको उसका भी दिखा देता, मेरे दोनों टेबल निकल गए ना शायद से। ओके मैं दोनों को मार देता अभी, नहीं हुआ क्या, एक मिनट। अरे दोनों टेबल गए, अभी मैंने क्या करता इसको निकाल देता। ठीक है, अभी मैंने दोनों टेबल बनाता, मैंने इसको भी बना दिया, मैंने इसको भी बना दिया, हो गया मेरे दोनों टेबल बन गए। अबे आप इस केस में चाइल्ड को भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेरेंट को भी मार सकते हैं, क्योंकि इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ये अलग टेबल, ये अलग टेबल है, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, तो मैं इसको मार दिया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई इसके पीछे कोई रिलेशन था ही नहीं। तो ये होना, तू कौन मैं कौन, ऐसा वाला चीज़ है ना, देखो राइट। ओके कहाँ गया अपना वो टेबल, तो मैं आपके लिए ना ये चीज़ें भी यहाँ पे देख देता हूँ, वायर कार टू करके। तो अगर आपको कोई डेटाबेस के ऊपर, टेबल के ऊपर काम करना है, बोले ना एक्चुअली मैं अगर टेस्टिंग में काम नहीं करते पर कभी कभार जरूरत पड़ सकती है, लेकिन नहीं मतलब कैसे पता है क्या? आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए ना, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरन की क्या होता है। तो आप जब भी कभी वर्कआउट करोगे, कुछ काम करोगे, तभी आपको आइडिया आ जाएगा, बराबर ना। तो इसके लिए बाकी कुछ नहीं है। तो अगर आप देखा जाए ना, हाँ बोले ना, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो कुछ तो वैल्यू असाइन कर रहा है, और नल मतलब कुछ पता ही नहीं, मैं किसी के साथ कंपेयर ही नहीं करूंगा उसको, मैं तो उसको कंपेयर करने, हाँ वो कुछ असाइन कंसिडर नहीं, वो खुद का खुद अलग हो जाता है। अगर आप मान लो आपका एक ग्रुप है, वो ग्रुप से बाहर है नल मतलब, नहीं तो आपको मैं आपको ना उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर मेरे पास अभी मैं आपको ना क्या करते हैं पता है क्या, ये जो वैल्यू है ना इसमें, इसमें किसी में जो नल डाल देता हूँ और इसका सम करना चाहता हूँ तो आपको एरर देगा, तो उस केस में नल को कंसिडर नहीं करता। तो उसमें क्या होता है पता है, आपने कभी कास्टिंग नाम की कंसेप्शन नहीं है, कास्ट नाम का कन्वर्जन डेटा टाइप, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग को बताना पड़ता है, अगर उसको कभी नल मिला तो उसको जीरो कंसिडर करो, ऐसा बताना पड़ता है। वो हम लोग देखेंगे थोड़े दिन के बाद, मतलब शायद कल या परसों देखेंगे वाला चीज़। ठीक है बोलो ना,
हाँ बराबर है। मैंने निकाला, कैन यू रिपीट क्वेश्चन? ओके ठीक है, एक मिनट मैं टेबल बनाऊंगा 2 मिनट के लिए, एक मिनट। हाँ राइट। हे बघना, मी ह्याला इथे एम्प्लॉय आय डी करू का? चालेल का तुला? बघ इथं आय डी नाव, इथे एम्प्लॉय आय डी, चालेल चालेल पाहिजे, काही इश्यू नाही त्याला। देखो अब मैं इसको पहले ड्रॉप कर देता क्योंकि मेरा क्वेरी गलत है, मतलब एक मिनट, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय प्रोफेशनल डिटेल, इसको F5 करता हूँ। तो मेरा सारा टेबल का मैं नम वैल्यू का, मैं कॉलम का बोल रहा है, मतलब आप अभी अभी आपका क्वेश्चन मुझे बताओ। हाँ अभी मेरे जी का बताओ क्वेश्चन क्या है। हाँ अभी क्या आएगा? हाँ अभी बोल रहे, क्वेश्चन क्या था? मतलब देखो यहाँ पे मेरा आईडी अलग है, कॉलम का नाम अलग है, यहाँ पे कॉलम का नाम अलग है, आपका वही क्वेश्चन था राइट? वेगा ना बेगा ना, चलते ना, काय प्रॉब्लम नाही। तुम्ही मॅपिंग कशाची करतो ते महत्त्वाचं आहे, कुठल्या वेळेला ह्यांचा काय संबंध नाही। हां ओके, वेगळं असत ना रे, वेगळं असत ना। जसं बघ ना, इथं 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 ऑब्झर्व करणार, इथे माझा सगळा एम्प्लॉयचा डिटेल्स आहे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आहे, इथे तुझा एम्प्लॉयचा डिटेल असणार आहे का? कंपनीचा डिटेल असणार आहे, कंपनी नेम वगैरे। तू जेवढं वेगळं वेगळं करशील ना तेवढं तुझ्यासाठी चांगलं राहणार रे। हे याला माझा मॉडेल म्हणतात, हा युजरचा मॉडेल झाला, ये कम ए एम्प्लॉय का मॉडेल हुआ पूरा, मतलब जिसमें सिर्फ एम्प्लॉय के डिटेल्स रहेंगे, एम्प्लॉय के मतलब कंपनी की डिटेल, एम्प्लॉय के कंपनी, तो इसमें तू खुद का डेटा वापस क्यों लेगा ना, मतलब खुद का फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्यों लेगा? इसीलिए तो हम लोगों ने इसको ये किया ना, प्राइमरी की फॉरेन की से कनेक्ट किया है। हाँ बोलिए ना। हाँ म्यूट को मतलब मुझे आवाज एकदम टूटा टूटा आ रहा है, फिर से रिपीट कर दे क्वेश्चन। हाँ नहीं टूटा टूटा कहते हैं। हेलो हाँ बोलिए। ओके ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके। नहीं, अलग अलग हो सकती, अलग 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 हो सकती है। ओके अलग 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 हो सकती है, आई कैन टेल यू। हाँ होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए। एक 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 मिनट, एक मिनट होगा, हम लोग ट्राई करें, एक मिनट हो गया मुझे, एक बस। एक 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 मिनट, हम एक 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 मिनट चेक करें क्या? एक मिनट चेक करो, एक मिनट। अच्छा ओके, क्योंकि मैंने ये एसक्यूएल, वन सेकंड, एक एक ओके ओके। बघूया आपण, होल्ड ऑन 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 होल्ड ऑन। देखो क्या लिखा, ओके नहीं करने दे रहा वो, कुछ अलग नहीं देना दे रहा है, रेफरेंस है। हाँ राइट, यहाँ पे वो दिखने दिखा, मतलब आप इसमें इनका ये बताना है कि अगर यहाँ पे मेरा आईडी 1 है, यहाँ पे मैं अगर 2 डालना चाहूंगा तो ये नहीं आएगा, आईडी करे आरओ करेगा, समझ में? तो ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की कंसेप्ट हुआ ना, तो आप गलत कर रहे हो ना इसके हिसाब से, फिर
मतलब आप करोगे शायद से वो चलेगा, भी मैंने उतना नहीं किया लेकिन शायद से वो चल भी सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं, या फिर नहीं भी चल सकता है। लेकिन आपके जो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म के जो कंसेप्ट है ना, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, जितना आप उसको सिंगली डिवाइड करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं अभी बना के देता हूँ एम्प्लॉय टेबल। ओके, मैंने बनाया मेरा तीसरा टेबल, देखो एक है प्रोफेशनल डिटेल है, एक है एजुकेशन डिटेल। हाँ अभी आप बताओ आपको क्या बताना है। हाँ किया ना मैंने एजुकेशन डिटेल में। ओके ठीक है, एक मिनट मैं फिर से तो ओके ड्रॉप ठीक है। तो वैसा कि कर सकते हैं कि हाँ वैसा होना चाहिए, तो फिर आपको अलादीन देने पड़ते हैं तभी तो काम बनेगा, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, मैं करता हूँ, होल्ड बरो ना। कि कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दो दो सेपरेट टेबल होते हैं, तो आपको अलादीन देना पड़ता है, तो उसको किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी बोलते हैं, उसको कहाँ से डेटा उठाना वो पता नहीं चलता। तो ठीक है मैंने ऐसा किया आपके लिए, अलादीन कराते हैं, अलादीन ला। एग्जैक्टली देखो ये वो होता है ना, राइट अलादीन के टोकन नाम है। अलादीन मतलब क्या बताता, मैं बताता, देखो देखो अभी अभी एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉय नाम है, टेबल का नाम है, उसका बहुत बड़ा नाम है, उसको 10-12 जगह पे लगने वाला है ये नाम। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसकी जगह आयत लिखूंगा, ये लिख एज, एज मतलब हाँ ई। अभी इसके इन फ्यूचर में उसको एम्प्लॉय कभी नहीं लिखूंगा, ई लिखूंगा। तो जैसे मैं ई डॉट करूंगा तो वो खुद ब खुद रेफरेंस है ई, मतलब एम्प्लॉय टेबल। हाँ राइट, उसे अलाइनिंग बोलते हैं वो करने वाला। हम लोग उसके बारे में देखा, मैं आपको आपको अभी भी दिखा सकता हूँ 2 मिनट में अगर चाहिए तो। आपको देखो एम्प्लॉय सीधे स्टाफ ही करता, स्टार फॉर्म ओके, इसको ई लिखा ओके वेयर। अभी मुझे ई हर बार ई डॉट लिखूंगा ना तो आपको सारे कॉलम ना, ऐसे बोलते हैं, मतलब ये इसके बाद अंदर कितने कॉलम से देखो ना, 5 कॉलम से, तो ये 5 के कॉलम को आपको दिखाएगा, ऐसा वाला देखो। अभी इसका जरूर क्यों होता है, अगर मान लो इसको मैं ज्वाइन करता हूँ खुद खुद के टेबल से, देखो इसका तो आपको ऐड आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, इसको इसको ईवन नाम देता हूँ। ओके मैं ऑन लिखता ई डॉट, मतलब वो बताएगा ये मतलब पहले टेबल का आईडी ले लो इक्वल टू ई1 डॉट, तो दूसरे टेबल का भी आईडी ले लो, मतलब आप उससे स्पेसिफाई कर सकते हो ये आईडी कौन से टेबल से उठाना है उसको, इसे बोलते आ रहा है। इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बरन यहाँ पे मैंने दोनों सी भी टेबल सेम ही है, लेकिन वो खुद के लिए कंसिडर अलग अलग कर रहा है। हाँ बोलिए ना, हाँ बोलिए, फौरंगी का मैंने बताया ना, पहले चाइल्ड को मारना पड़ेगा तभी पैरेंट मारेगा, मैंने बताया ना आपको, पहले आपको चाइल्ड को मारना पड़ेगा फिर पैरेंट को, क्योंकि उनका रेफरेंसेस करने के लिए आपको नीचे से नहीं कर सकते आपको। हाँ हाँ फिर उधर ही सब पहले फॉर्म में बताया ना, जितने भी बच्चे सबको मारो फिर पेरेंट को मार सकते हो। चले अरे नहीं ना भाई, रहा नहीं ना भाई, ये आईडी अलग अलग, ये अलग है, ये अलग है, ये टेबल ही अलग है, देखना ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है, बस तुझे घर पे अलग नाम से बुलाते हैं, ऑफिस में अलग नाम से बुलाते हैं, ये वाला चीज है वो भंडा। ठीक है किसी डाउट है इस केस में, हाँ बोलिए ना। मेन पर्पज ये कि आपका डेटा इंटीग्रेशन, मतलब आपका जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की जो कंसेप्ट होती है, मतलब यहाँ पे एक मेरा कॉलम है, ये मेरा जैसे मैंने बताया यूजर डिटेल मेरा एक ही हो सकता है, मुझे खुद के डिटेल्स बनाना है, लेकिन मेरे एम्प्लॉय की डिटेल्स, मेरे कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में बहुत सारी कंपनी मैंने चेंज किया होगा, तो मेरा ये एक डेटा रहेगा, और लेकिन मैंने उसको बहुत जगह पे मैप किया है वहाँ। ओके अभी आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। नाउ आपको पता है पैन, पैन नंबर सबको पता है, पैन कार्ड पता है, सबके पास पैन कार्ड होना चाहिए, क्यों ऐसा होता है कोई मुझे बताएगा क्या? इससे क्या होता है, अगर मान लो मेरा पैन कार्ड एक XYZ है, तो मैंने हजारों में कई हर एक बैंक में अकाउंट ओपन किया है, तो जैसे मैं मेरा ये आईडी डाल देता हूँ, मतलब ये पैन कार्ड डालता हूँ, तो उनको ये पता चलेगा, अरे इसका यहाँ पे भी अकाउंट है, यहाँ पे भी अकाउंट है, यहाँ पे अकाउंट है, यहाँ पे अकाउंट, ऐसा ही पता चलेगा। इसीलिए यूनिक एग्जैक्टली आपका आधार नंबर क्या होता है, आधार नंबर क्या होता है, वो भी प्राइमरी की हुआ कि नहीं इस केस में,
ये इसीलिए प्राइमरी की होता है। तो फॉरेन की वो मतलब क्या, मतलब ये मेरा पैन कार्ड नंबर है और मेरे पास 10 बैंक के अकाउंट्स हैं, तो मैं इसमें सब नहीं डालूंगा यहाँ पे, ये इसी में नहीं कचरा करूंगा, तो ये अलग अलग होता है। राइट, अभी मैं आपको ना इसका मैं और एक लॉजिक बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। अगर आपने कभी, आपको सबको पता है गूगल पे ये फोन पे वगैरह, राइट, उनका भी हर एक यूनिक आईडी होता है। वो क्या करते हैं पता है, आप ये बस यूनिक रखते हैं, आपके कौन सा भी अकाउंट हो बस आपको ये मैपिंग किया जाता है, उसी से अकाउंट कम होता है। अगर मान लो किसी को, मतलब मान लो गूगल पे आया, गूगल पे को कुछ तो डेटाबेस चाहिए, राइट, एक्सेस चाहिए, वो क्या करेगा, ये गवर्नमेंट का डेटा है जिसमें सिक्योर डेटा है, गूगल पे के पास क्या करेगा, तो गूगल पे जैसे आप अकाउंट बनाते हो ना, आपका कोई भी बैंक का अकाउंट डालते, फोन नंबर डालते, तो ऑटोमेटिकली वो सारे अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर दे देता आपको, बराबर है ना, याद है आपको, जैसे आप गूगल पे कोई भी अकाउंट बनाते हो और ऐड बैंक करते हो, आप अपना बस मोबाइल नंबर डालते हो, तो ऑटोमेटिकली उस मोबाइल नंबर को कितने अकाउंट लिंक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर क्या हुआ, प्राइमरी की हुआ, और जितने भी रिकॉर्ड्स आए वो सारे क्या हो, फॉरेन की टेबल से आए, कि जिसमें आप मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट है प्राइमरी फॉरेन की के। किसी को डाउट है अभी इस केस में, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा चाहिए नहीं, और आज के लिए खत्म करना है सेशन हमें। ओके, क्रिएट टेबल का मैंने बताया, अभी उसके बाद इंटरव्यू में पूछते हैं क्वेश्चन, पूछते हैं व्हाट इज यूनिक की, यूनिक की बोलते हैं। एक मिनट, हाँ कर सकते, मैपिंग नहीं कर सकते ना, तो कैसे मैपिंग करेगा, तो ये नहीं करना, नहीं कर सकते, कॉमन चीज होती है। राइट, तो मैं आपको ये वाला फाइल भी भेजने वाला था, डोंट वरी, ये फाइल यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, अभी हम लोग थोड़ा यूनिक की के बारे में देखते हैं, मैं इसको एक टेबल को उठाता हूँ और यूनिक की लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ना उसको यूनिक की लिखता है, मैं आईडी पे यहाँ पे यूनिक की लिखता है, देखते हैं मुझे एग्जैक्टली यूनिक की, मुझे भी इसका ना यूनिक। राइट, तो इसका यूनिक की को मुझे सिर्फ सिंटैक्स देखना है, एक मिनट मुझे देखना था यूनिक की का सिंटैक्स देखना था, एक नल है एग्जैक्टली, तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपका यूनिक क्या होता है, यूनिक की क्या होता है। हाँ बोलिए ना, सॉरी, राइट एग्जैक्टली, हाँ राइट। अभी मैं क्या कर सकता हूँ पता है, कि इस केस में मैं यूनिक की प्राइमरी की पे मैं डालूंगा, मैं यूनिक की केस में डाल सकता हूँ, मैं फॉरेन की के टेबल में डालता हूँ, फॉरेन की के फॉरेन टेबल में डाल सकता हूँ, जिसमें यूनिक ही जाए, मतलब एक एक का रिकॉर्ड एक के साथ ही जाए, समझे, कभी कभार हो सकता है ना कि, तो मैं इसका एग्जांपल कैसे दूँ अभी, हाँ प्राइमरी के बाहर लेते हैं, तो यूनिक 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 होते हैं ना, हाँ रगा सकते हैं, हाँ नहीं, क्योंकि प्राइमरी को बाय डिफॉल्ट आ जाता है ना, हाँ बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है ना, हाँ आप लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मोर दे, हाँ ठीक है, एक मिनट एक मिनट, मुझे मैं आपको बताता हूँ, मुझे इसका सिंटैक्स देखने दे, मैंने कभी वो वाला क्रिएट टेबल बनाते थे, मैं बनाया मैंने इंसर्ट यूनिक की, ओके इंट यूनिक डालना, सेकंड टेबल में प्राइमरी डाल सकते हैं ना, कैसे डालेगा तू, हाँ डाल सकते तू, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ये एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिटर्न होता है, देखो ये वाला उसने टेबल बना दिया, अगर मैं मेरे पास एम्प्लॉय एजुकेशन डिटेल नाम का डिटेल है, कहाँ गया एम्प्लॉय एजुकेशन डिटेल, डुलने दूसरे से डालना पड़ेगा ना, देखो इसको मैं इंसर्ट करता अभी, FI किया, मैं फिर से सेम डेटा रिकॉर्ड करता हूँ तो नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिक की का वायलेशन होता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वन रिकॉर्ड था, लेकिन इसमें आप बहुत कॉलम को यूनिक कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि इसको भी मैं कर सकता हूँ,
लेकिन अगर प्राइमरी में देखोगे ना, एक कॉलम एक टेबल में शायद एक ही प्राइमरी की होता है, आपको दो प्राइमरी की नहीं होते, लेकिन यूनिक आपके बहुत सारे हो सकते, क्योंकि ये यूनिक है ना, एक कॉलम बेस पे चलता है, और प्राइमरी जी होता है वो टेबल बेस पे चलता है, ये डिफरेंस है। तो यूनिक के भी बारे में पूछते हैं इंटरव्यू में। ओके कहाँ गया मेरा, प्राइमरी की वा यूनिक की, तो यूनिक मतलब इट इट अलाउज ओनली यूनिक वैल्यू एंड वन नल वैल्यू। ओके इसके बारे में बोल सकते हैं, इट कैन बी अप्लाई टू मल्टीपल इट कैन बी मल्टीपल कॉलम, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइमरी के हिसाब से एक ही टेबल का, और ये इसके लिए है, इट वर्क्स ऑन कॉलम लेवल, इट वर्क्स ऑन कॉलम कॉलम लेवल नॉट ऑन टेबल लेवल। ठीक है चलेगा, आई थिंक सो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल क्या करेंगे देखो। आपने मैंने ट्राई किया आज आपको डिटेल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताने का ट्राई किया। एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर गया।